ओके, दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ डू यू रिमेम्बर नंबर ई. ठीक है, यहाँ पे क्या बोला है, रीराइट दिस सेंटेंसेस बाय चेंजिंग सिंगुलर नाउन टू प्लूरल नाउन्स, मेक अदर नेसेसरी चेंजेस एज वेल. यहाँ पे क्या करना है, इस सेंटेंस को फिर से रीराइट करो, लिखो, बोल रहा है चेंजिंग करना है, सिंगुलर नाउन्स को प्लूरल नाउन्स में बदलना है. ठीक है, तो यहाँ पे सिंगुलर नाउन को जब प्लूरल नाउन में हम लोग बदलते हैं तो भी और भी कुछ चेंजेस यहाँ पे करना पड़ता है. ठीक है, तो आओ हम लोग देखते हैं. यहाँ पे नंबर वन में क्या है, द चाइल्ड हैज गॉट ए व्हाइट ड्रेस. चाइल्ड एक लड़का है ना, अब चाइल्ड को हम लोग प्लूरल करेंगे तो चाइल्ड का प्लूरल क्या होता है, चिल्ड्रेन. द चिल्ड्रेन हैज को हैव करना है, चाइल्ड को चिल्ड्रेन करना है. द चिल्ड्रेन हैव गॉट ए को काट देना है, व्हाइट ड्रेसेस. ठीक है, ड्रेसेस अब ये भी प्लूरल हो गया, तो द चिल्ड्रेन हैव गॉट व्हाइट ड्रेसेस. ओके, नंबर टू दैट वोमन हैज लॉन्ग हेयर. वोमन देखो WOMAN है, तो यहाँ पे सिंगुलर एक वोमन को वोमन बोला जाता है, MAN लिखा जाता है इसका स्पेलिंग. ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, दैट भी सिंगुलर है, वोमन भी सिंगुलर है, हैज भी सिंगुलर में यूज किया जाता है. ठीक है, अब ये तीनों को चेंज करना है. दैट का क्या होता है प्लूरल, दोज. वोमन का WOMAN, वोमेन. हैज का हैव. ठीक है, मतलब दोज वोमन हैव लॉन्ग हेयर. ठीक है, नंबर थ्री, द बेबीज, बेबी है, द बेबी इज स्लीपिंग इन द कॉट, है सिंगुलर में है ना बेबी, तो इसको प्लूरल करेंगे, द बेबीज आर स्लीपिंग इन द कोट्स, ऐसा लग जाएगा. ओके, नंबर फोर, देयर इज ए बेंच इन द नेबरहुड पार्क, मतलब वहां पे एक बेंच है नेबरहुड पार्क में, पड़ोसी वाला पार्क में. ठीक है, इसको प्लूरल करेंगे, देयर आर, इज को आर में चेंज कर देंगे, बेंच को बेंचेस कर देंगे, एंड इन द नेबरहुड पार्क को पार्क्स एस लगा देंगे. ठीक है, नंबर फाइव, दिस एनिमल इज एन ऑक्स. अब देखो दिस को प्लूरल करेंगे, दिस एनिमल को एनिमल्स, इज को आर, ऑक्स का प्लूरल होता है ऑक्सन. ठीक है, दिस एनिमल्स आर ऑक्सन. ओके, नंबर सिक्स, ही लिफ्टेड द लैच एंड ओपन द डोर. ठीक है, लैच किसको बोलते हैं, जो हैंडल होता है ना दरवाजा खोलने वाला, हैंडल होता है जिसको पकड़ के दरवाजा खोलते हैं, उसको बोला जाता है लैच. ही लिफ्टेड द लैचेस, लैच का प्लूरल लैचेस, ईएस लगा देंगे, और डोर में एस लगा देंगे. ठीक है, ओके, नंबर एफ में क्या है, नंबर एफ में फिल इन द ब्लैंक्स विथ द फेमिनाइन फॉर्म्स ऑफ द मस्कुलाइन नाउन्स इन द ब्रैकेट. यहाँ पे देखो मस्कुलाइन नाउन सब दिया गया है ब्रैकेट सब में, हेडमास्टर, ब्राइडग्रूम, होस्ट, पीकॉक, हीरो, किंग, तो ये मस्कुलाइन नाउन सबको क्या करना है, फेमिनाइन फॉर्म में चेंज करना है. ओके, तो यहाँ पे देखो मिस ओलिवा, ओलिविया इज द हेडमास्टर है, तो हेड मिस्ट्रेस कर देंगे. ठीक है, हेड मिस्ट्रेस ऑफ आवर स्कूल. यहाँ पे देखो द ब्राइड वोर ए गॉर्जियस रेड एंड गोल्ड साड़ी, यहाँ पे ब्राइड कर दिए क्योंकि ब्राइडग्रूम बोला जाता है मस्कुलाइन को. ठीक है, बर जिसको बोलते हैं ना, दुल्हन जिसको बोलते हैं, सॉरी दुल्हा जिसको बोलते हैं, दुल्हा को ब्राइडग्रूम बोलते हैं और दुल्हन को ब्राइड बोला जाता है. ठीक है, नंबर थ्री, मिशी वॉज ऑलवेज द परफेक्ट, यहाँ पे होस्ट है तो होस्ट का फेमिनाइन क्या होगा, होस्टेस. होस्टेस किसको बोलते हैं, जो प्लेन में सर्व करते हैं. ठीक है, सर्विस देते हैं, चाय लाते हैं, कॉफी लाते हैं, वो सबको होस्टेस बोलते हैं. ठीक है, नंबर फोर, आई सॉ ए डैश इन द पार्क. डैश इन द पार्क पीकॉक है, तो पीकॉक का ये मस्कुलाइन है, इसका फेमिनाइन क्या होगा, पी है. ठीक है, नेक्स्ट है, मतिल्डा इज द डैश ऑफ द स्टोरी, मतलब यहाँ पे दिया है हीरो, मतिल्डा इज द हीरो का फेमिनाइन, हीरोइन,
मटिल्डा हीरोइन है ऑफ द स्टोरी, ठीक है। द डैश वॉर ए ब्यूटिफुल गाउन, यहाँ पे दिया है किंग, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, किंग का ऑपोजिट क्वीन, ठीक है। नेक्स्ट देखो नंबर जी, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग सुइटेबल आर्टिकल्स, अब आर्टिकल्स को यहाँ पे डालना है। मिस्टर शर्मा इज एन ऑनेस्ट पर्सन, यहाँ पे एन क्यों लगा, क्योंकि ये जो ऑनेस्ट है ना, यहाँ का इसका जो साउंड निकल रहा है वो भावल साउंड निकल रहा है, ऑनेस्ट, ओ ओ, ठीक है, ओ, इसलिए यहाँ पे हम लोग एन डालें, ठीक है। लेकिन उसका पहला लेटर एच है, लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन को हम लोग देख के यहाँ पे एन डालें, ठीक है। नेक्स्ट नंबर टू, दिवाली कम्स वंस ए ईयर, एक बार आता है ना, वंस ए ईयर। नंबर थ्री, यू शुड यूज एन अम्ब्रेला, यहाँ पे देखो यू भावल है ना, यू से स्टार्ट है तो यहाँ पे एन लगाएंगे, तो एन अम्ब्रेला व्हेन इट रेन्स, ठीक है। नंबर फोर, आई लिव्ड इन पेरिस व्हेन आई वाज ए चाइल्ड, ठीक है, ए चाइल्ड सिंगुलर है इसीलिए, और ये सी कॉन्सनेंट है इसीलिए हम लोग यहाँ पे ए डालें, ठीक है। नंबर फाइव, द सिटी म्यूजियम इज ओपन टूडे, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग द सिटी, सिटी म्यूजियम ये कोई जगह का नाम है, ठीक है, कोई जगह का मतलब म्यूजियम है, एक विजिटिंग प्लेस है, इसलिए हम लोग यहाँ पे द लगाएं, द सिटी म्यूजियम इज ओपन टूडे। और उसके बाद नंबर सिक्स, देर इज ए उल्फ बिहाइंड द बुशेस, ठीक है, देर इज ए उल्फ, ठीक है, यहाँ पे देखो डब्लू कॉन्सनेंट है, और उसके बाद देर इज ए उल्फ बिहाइंड द बुशेस, ये लगाएंगे, ठीक है। ओके नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं, ओके?